हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रंजना की रसोई ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सरसों वाली मसालेदार अरबी की सब्जी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। वो ये है कि ऐसा क्या है जो हम खरीदते हैं खाने के लिए बट खाते नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आइए अब हम रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने सरसों के दाने लिए हैं, ये देखिए येलो मस्टर्ड, दो अनियन लिए हैं मीडियम साइज का, और ये है अरवी, पाव किलो है 250 ग्राम। सबसे पहले अरवी को उबाल लेंगे, बॉईल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक सीटी लगाएंगे, कुकर में डाल देते हैं। ऐसे भी छील सकते हैं स्पून से, बस थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा से नहीं छीलता है। एक सीटी लगा लेंगे तो आलू के तरह छिल जाएगा बहुत आसानी से, इसीलिए मैं उबाल लेती हूँ। कुकर में डाल देते हैं थोड़ा पानी, कवर करके गैस पर चढ़ा देते हैं, फ्लेम को करते हैं ऑन, और फुल फ्लेम पर एक सीटी आने तक पकाएंगे। फुल फ्लेम ही रहने देंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे, नहीं तो अरबी गल जाएगा, फिर अच्छा नहीं बनता। सिर्फ एक सीटी लगाएंगे कि छिलका अच्छे से उतर जाए। अरबी बॉईल होता है तब तक मैं सरसों और अनियन का पेस्ट बना लेती हूँ साथ में। ये देखिए दोस्तों, अरबी बॉईल हो गया है, गला बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इतना बॉईल हुआ है कि छिलका आसानी से छिल जाएगा। ये देखिए आलू के तरह छिल जाएगा, ये छिल लेंगे इसको। अब ये देखिए, मैंने अनियन और सरसों का पेस्ट बना के ले लिया है, एक टमाटर लिया है, दो ग्रीन चिल्ली, और ये नींबू का जूस निकाल लेंगे। मैं ये अरबी को छीलकर आलू के जैसा काट कर ले लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अरबी को छील लिया है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप ये तरीका को अपना कर देखिएगा, बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। जैसे बॉयल आलू का छिलका उतारते हैं ना, वैसे इसका भी उतर जाता है। तब इसको काट लेते हैं, एक अरबी को 3 से 4 टुकड़ा में काट लेंगे, पीसेस में काट के लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अरबी को काट कर ले लिया है। अब चलते हैं अरबी को फ्राई करते हैं। चूल्हा पर रख देते हैं कढ़ाई को, फ्लेम को कर देते हैं ऑन। कढ़ाई में रखेंगे तेल, तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं कटिंग किया हुआ अरबी। अरबी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं, वीडियो में बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, अरबी फ्राई हो गया है, बहुत अच्छा फ्राई हुआ है, कलर से पता चल रहा होगा आपको। इसी तरीके से फ्राई कर ली, फ्राई अरबी को कढ़ाई से निकाल लेते हैं। मैंने फ्राई अरबी को निकाल लिया है। अब इसी तेल में डालेंगे कुछ मेथी दाना, ये देखिए डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं पीसा हुआ अनियन और सरसों का पेस्ट। मसालों को 2-3 मिनट भूनेंगे। मसाला को अच्छा सा ड्राई होने तक भूनेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए दोस्तों, अनियन और सरसों भून गया है, बहुत अच्छा ड्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं कुछ पाउडर मसाला। ये देखिए मैंने लिया है धनिया पाउडर 1.5 स्पून, 1.5 स्पून, 1 स्पून लिया है ये मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून लिया है
हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कभी भी बाकी मसालों से कम ही ले, नहीं तो सब्जी में कड़वापन आ जाएगा हल्दी का, तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। मसाला को डाल देते हैं कढ़ाई में और थोड़ा सा पानी डालकर मसाला को भी 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। थोड़ा और पानी डाल देते हैं और मसाला को अच्छा सा 2 मिनट और भून लेंगे, साइड साइड से तेल छोड़ने लग जाए मसाला में से तब तक। तो मसाला को भून लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मसाला भून गया है, अब इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मैंने टमाटर को कुछ इस तरीके से काट के लिया है और ये ग्रीन चिल्ली को भी काट लिया है। आपका मन हो ग्रीन चिल्ली लेने का तो ले, नहीं मन है तो छोड़ दे, क्योंकि मैंने जो मिर्ची पाउडर यूज लिया है ना वो ज़्यादा तीखा नहीं है, इसीलिए मैंने 2 ग्रीन चिल्ली लिया है। इसमें डाल देते हैं और ये फ्राई किया हुआ अरबी भी डाल देंगे। मिक्स करके मसालों के साथ अरबी को 2 मिनट भूनेंगे। मेरा बेटा है ना पढ़ाई कर रहा है अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है। बीच बीच में वीडियो में बाबू का साउंड आ जा रहा होगा तो प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं होइएगा, बच्चा है। दो मिनट भून लेते हैं मसालों के साथ अरबी को, फिर पानी ऐड करेंगे। बीच बीच में चलाते हुए कवर करके भूनेंगे। एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम रखिएगा, नहीं तो मसाला जल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अरबी भुन गया है मसालों के साथ। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, मिक्स करके नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 10-20 सेकेंड भूनेंगे नमक को मसालों में। अब इसमें डाल देते हैं ज़रूरत जितना पानी। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अरबी को गलने तक पकाएंगे। कवर कर देते हैं और अरबी को गलने तक पका लेते हैं। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ फ्लेम रहेगा तो सारा पानी जल जाएगा, अरबी गलेगा नहीं ठीक से इसीलिए। ये देखिए दोस्तों, अरबी का सब्जी लगभग रेडी है, अरबी गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गल गया है। अब इसमें डाल देते हैं नींबू का जूस। नींबू का जूस डाल के 1 मिनट और पकाएंगे। मिक्स करके कवर कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अरबी की सब्जी बनके हो गया है रेडी। अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ता। बहुत अच्छा अरबी का सब्जी बनके रेडी हुआ है, आप भी इसी तरीके से बनाइए और खाकर बताइए। अरबी बहुत अच्छा तरीके से गल गया है, वो मैंने दिखाया है, एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए गल गया है। कवर करके गैस को कर देते हैं बंद। हाँ तो दोस्तों, आपको हमारा ये सरसों वाली मसालेदार अरबी की सब्जी कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपका कीमती समय में से 2 मिनट हमारा वीडियो को देख दे, वीडियो को पूरा देख के लाइक कर दे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सवाल पूछा था, उसका जवाब आप लोग को मिला कि नहीं, नहीं मिला तो
कोई बात नहीं, मिल गया तो अच्छी बात है। सवाल का जवाब अब मैं दे देती हूँ। सवाल क्या था? ऐसा क्या है जो हम खरीदते हैं खाने के लिए बट खाते नहीं हैं? वो है प्लेट और थाली। ओके से आप सोचिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।